रखा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जलसी होने लगी। ये वही विकास दुबे है जो कानपुर मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की मौत का जिम्मेदार है। इस पुराने वीडियो में किस तरह से ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अपना बखान कर रहा है, जरा गौर से सुनिए। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। 80 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यूपी को दहलाने वाले कानपुर कांड के आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। उधर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। शनिवार को विकास दुबे के किले नुमा मकान और उसकी लग्जरी गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद उसके साथी दया शंकर को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच विकास दुबे का वीडियो और ऑडियो भी काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ऑडियो को लेकर तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक विकास दुबे का ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है, जब विकास दुबे को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खूंखार अपराधी विकास दुबे पुलिस की इस तरह की कार्रवाई का कई बार सामना कर चुका है। राजनीतिक संरक्षण से उसे कई बार जीवन दान भी मिला। जी हैं एमएलए और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 3-4-5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है उन्हें करना। अपने इस वीडियो में विकास दुबे बीजेपी विधायकों का नाम लेता भी नजर आ रहा है। इस बीच शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे की मिलीभगत का दावा किया गया है। मार्च महीने में ये चिट्ठी एनकाउंटर में शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा की ओर से तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखी गई थी। इसमें कहा गया 13 मार्च को विकास दुबे के खिलाफ एक मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचना करने वाले अधिकारी ने धारा बदल दी थी। पत्र में सीओ मिश्रा ने लिखा है कि धारा बदलने के बारे में पूछने पर विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष के कहने पर धारा हटाई गई, लेकिन इस चिट्ठी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक के साथ इस फोटो में नजर आ रहा है। साथ ही अगली फोटो में सोशल मीडिया स्टार अनु अवस्थी के साथ भी विकास दुबे ही नजर आ रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक दल पर होती थी, इसी वजह से आज तक उसे पकड़ा नहीं जा सका।